और जितने भी इनके कार्यकर्ता हैं सबको बहुत बहुत स्वागत हो। घर की बेटी स्वागत करते हैं। जी 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 बोल भी दीजिए। बोलेंगे 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 एनसी वाले भी मोबाइल भी साथियों, ये हम सब के लिए खुशी की बात है कि आज जो देश के अंदर सरकार है मोदी सरकार, वो गरीब मजदूर किसान रेड़ी वाले फड़ी वाले हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल पहाड़ी जम्मू के कश्मीर के समाज के हर वर्ग की पार्टी। आज मोदी साहब ने जिस तरीके से गरीब लोगों को फ्री राशन, गरीब लोगों को फ्री वैक्सीन, ये कोरोना महामारी से अगर किसी ने बचाया है ये मोदी साहब ने बचाया। किसानों के खातों में 6,000, गरीब लोगों के खातों में हजार हजार रुपया महीने की पेंशन, गरीब लोगों के गांव गांव में मकान, गरीब लोगों के घरों में टॉयलेट बाथरूम, सब जो जो भी लोग हैं, चाहे अमीर हैं गरीब हैं, सरकारी मुलाजिम हैं व्यापारी हैं, आयुष्मान भारत के कार्ड 5-5 लाख रुपया एक एक साल से, एक एक कार्ड से इलाज के लिए मिलता है। ई श्रम कार्ड, आज सड़कें स्कूल हॉस्पिटल एम्स हेलो श्रीमान चौधरी सुरेंद्र जी को, भारत जी को और इनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हमारे जितने भी साथी हैं, हमारा मिशन है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। आपको राजनीतिक दल के नाम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर मैं यहाँ दिल की अमीन तरीन गहराइयों से आपको बधाई देता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में पूरा मान सम्मान और स्वास्थ्य टीम को यहाँ पंची सरपंची बीडीसी के चेयरमैन और यहाँ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी साथी सहयोगी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, मैं आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। जय हिंद जय भारत। जम्मू कश्मीर के इंचार्ज मेरे बड़े भाई तरुण चुग साहब, भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना साहब, इन्होंने वादा किया था कि मैं पहुंचूंगा और आप सबका भी जो सुबह 5 बजे नौशहरा से निकले हो और उस बॉर्डर के दूर दराज के इलाकों से सड़कों के किनारे में रहने वाले आप नहीं हो, चंद लोग हैं जो बाजार के हैं और सड़कों के किनारे हैं, बाकी आप बड़े दूर दराज उस पार पाकिस्तान के बॉर्डर से यहाँ पे पहुंचे हो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चुग साहब, ये चंद लोग हैं जो मेरे साथ यहाँ पहुँचे हैं जिनको मैंने सिर्फ फ़ोन पे बुलाया और परसों इनको फ़ोन किए थे। आज मेरे साथ खाली ये लोग नहीं बल्कि नौशहरा की उस धरती के ऊपर उन पहाड़ों उन मोड़ों उन टोकों पे दूर दराज में लोग जो रहने वाले हैं, वो आज जो मेरे हमेशा मेरे साथ साथी चले हैं, आज वो भी उन पहाड़ों से आपके साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसके बाद हम एक नौशहरा में एक जलसा करेंगे, आपको खुद पता लगेगा कि नौशहरा के लोग क्या चाहते हैं। और आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने नौशहरा और सुंदरवाणी की 2 कॉन्स्टिट्यूएंसियाँ बनाई हैं, क्योंकि नौशहरा और सुंदरवाणी के लोगों की हमेशा एक डिमांड रही थी कि नौशहरा को अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसी दी जाए और सुंदरवाणी को अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसी दी जाए। वो आज आपने हमारा ख्वाब पूरा किया है। नौशहरा और सुंदरवाणी के लोग आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, चुग साहब और पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे साथियों, आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपको पता है
कि मेरे पास 2014 में, चुप साहब आपको थोड़ा सा मैं लंबा नहीं करूंगा, छोटा ही रखूंगा, 2014 में रविंदर राणा साहब मेरे पास आए थे, इन्होंने कहा कि आपको भारतीय जनता पार्टी की टिकट देते हैं तो आप इस पर इलेक्शन लड़ो। उस समय सर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो आज दुनिया छोड़ के चले गए, भगवान उनको स्वर्गों में वास दे, वो मुझे मैंडेट दे चुके थे, मेरे हाथ में वो कागज़ था मैंडेट का। मैंने रैना साहब को कहा, रैना साहब अगर आप इस मैंडेट से पहले मेरे पास आते तो मैं आपके साथ चल पड़ता। अब मैं मैंडेट ले चुका हूँ, सुरेंद्र चौधरी अपने आप को धोखेबाज कभी निकलवाएगा, मैं अगर उनका मैंडेट ले चुका हूँ तो अब उनसे कभी धोखा नहीं करूँगा। और चुप साहब ये मेरे मीडिया के साथी भी जानते हैं और जम्मू कश्मीर रियासत के देवेंद्र रैना साहब भी जानते हैं, पीडीपी से धोखा मैंने नहीं किया, पीडीपी ने मेरे साथ धोखा किया था। अगर आज मैं पीडीपी छोड़ के आया हूँ, मेरे साथियों मैं खासकर मीडिया के लोगों से कहना चाहूँगा, जब आप बोलते हैं अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि आपको इज्जत दी जाए, तो कम से कम जब आप लीडरों के खिलाफ बोलते हैं तो उन लीडरों की इज्जत का भी, उन शब्दों का ऐसा चयन करें कि लीडर को कहीं दिल में न वो बात चुभे। हम किसी फायदे के लिए आज भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए, मैं किसी मकसद के लिए भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया, मैं अपने जाति मुफाद के लिए भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया, ना डर के आया हूँ ना दबाव में आया हूँ, मैं चुप साहब के और भारतीय जनता पार्टी के प्यार के कारण आज भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ। मेरे साथियों हम वहां रहे तो ईमानदारी से रहे, और वादा रहा चुक साहब, क्योंकि उम्र आप कितनी, आज तक जिंदगी कोई लंबी नहीं है, अब बाकी की जिंदगी जितनी भी है, वादा रहा प्यार आप देना, इज्जत आप देना, ये लोग आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, ना सुरेंद्र चौधरी आपको छोड़ के जाएगा। भारत विरोधी सोच को अपने पालने में पाला भी, और उस विश्व भरी सोच को आपने दूध भी पिलाया, बड़ा भी किया, क्योंकि आपकी दुकानदारी, आपकी राजनीति, आपके वंशवाद की पॉलिटिक्स उस पर ही चली। आज लोग कहते हैं कश्मीर फाइल्स बहुत ज्यादा दिखा दिया, मैं हमसे कहना चाहूंगा जो कश्मीर फाइल्स के बारे में बोल रहे हैं कि एक तरफा है, मैं हमसे कहना चाहूंगा आइए कुछ दिन, आज भी आपके चैनल्स के माध्यम से भी कहता हूं, आज बड़े बड़े हीरो हीरोइन भी कुछ इधर उधर बोलते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा 1990 के विस्थापित कश्मीरी भाई अभी भी जम्मू के कैंपों में रह रहे हैं, आइए एक रात गुजारिए वहां, देखिए कितने लोग बिच्छू काटने से, कितने लोग सांप के काटने से मर गए, कितने लोगों का जीवन खत्म हो गया, कितने नौजवानों की पढ़ाई चली गई, कितने परिवार तबाह हो गए, कितने बुजुर्ग आके पत्थर हो गई कि मैं अपनी मातृभूमि कश्मीर जाऊंगा, हब्बा कदल जाऊंगा, मेरी 12 20 40 पीढ़ियों को पाला है, वो हब्बा कदल, वो मीरा कदल, वो सोनावर जाऊंगा, वो सपने लेकर वो आके पत्थर भी हो गई और यहां से चली भी गई। मैं उन लोगों से कहूंगा जो आज उस पर टिप्पणियां कर रहे हैं कि आइए एक बार कैंप को देखिए, एक बार उन परिवारों की जिंदगी को तो देखिए, उनकी वंशावली को तो देखिए, उन पर हुए अत्याचारों पर कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया वो 5% भी नहीं है। मैं और रविंदर जी और दविंदर राणा भी नागसनी थे, किश्तवाड़ थे, डोडा थे, रामबन थे, लोग आके भीड़ में आके बताते थे कि यहां एक दिन में 8 लोगों को मार दिया गया गांव में से निकालकर, उसका धर्म पूछकर, और निर्मलता इतनी कि 2 साल की दूध बेटी बेटी भी मारी, 80 साल की बुढ़िया मां भी मारी, राक्षसी वृत्ति इतनी कि मां का स्तन भी काटा, भाई का कलेजा भी काटा, और कलेजे में से कलेजा निकालकर दूसरे भाई को खाने के लिए कहा। यह घटना मैं कश्मीर की नहीं, मैं जम्मू रीजन के नागसनी की सुना रहा हूं। बरात की बरात मार दी, दूल्हा जिसको सजाया था, बहनों ने जिसके हाथ में मेहंदी लगाई थी, जिसको घोड़ी पर बैठा के ले जाना था उसको भी मार दिया, और दुल्हन उठा के बातें करते हैं यहूदियों के जेनोसाइड की,
बातें करते हैं हिटलर की, जो जम्मू कश्मीर के हिटलर हैं उनका चेहरा भी तो नंगा होने दो। क्यों रोक रहे हो जिन्होंने कश्मीरियों के साथ जेनोसाइड किया, जेनोसाइड किया। सो मित्रों, ये जो आज प्रेमनाथ डोगरा की सोच इकट्ठी हुई है जम्मू कश्मीर को बचाने की, डोगरा संस्कृति की, इस मातृभूमि की डीएनए की सोच इकट्ठी हुई है, और इस सोच में रत्ती भर भी ये नहीं है कि हमें पद दे दो, हमें मंत्री बना दो, हमें ये बना। दो चीजें हमने कम की हैं, हमने आतंकवाद भी कम किया है और आतंकवादी की उम्र भी कम की है। हथियार उठाओगे, देश के नागरिक को मारोगे तो समझ लो कब्र में जाने का दिन तय हो गया। ये हमारी स्पष्ट सोच है, स्पष्ट सोच है। आज भी ये बॉर्डर से आए, 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर सामने पाकिस्तान है, ये रोज देखते होंगे और सदियों से देखते आ रहे, 6 दशक से 7 दशक से देखते आ रहे। गोली पहली पाकिस्तान चलाता है, आज भी पाकिस्तान चलाता है। जब हम नहीं थे तो आखिरी गोली भी पाकिस्तान चलाता था, पहली भी वो चलाता था, आखिरी भी वो चलाता था। आज मुझे विश्वास आई नरेंद्र मोदी की सरकार है, पहली गोली पाकिस्तान चलाता है लेकिन आखिरी गोली कब तक चलेगी ये भारत की सेना का बेटा तय करता है। और तय करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से निकला है कि इन्होंने हमें छेड़ा है, इनको छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, अंदर घुसकर मारना है। और भारत की सेना के बेटे, चाहे वो पुलवामा हो चाहे पालाकोट हो, पाकिस्तान के अंदर जाते भी हैं और भारत का वीर जवानों की शहादत का बदला लेना भी चाहते हैं।